एनडीए गठबंधन में जो दल बढ़े उस साफ तरीका पे भारतीय जनता पार्टी के वन मैन आर्मी के साथ चले खातिर मजबूर बने। भारतीय जनता पार्टी की बात समझ गई बा कि जैसे ही सीट शेयरिंग के समझौता हुई वैसे ही ये गठबंधन बिखरे लगी। सीमांचल के अलग करे खातिर ये पूरा कहानी रचल जा रहा बा। नरेंद्र मोदी जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिले तो कॉन्फिडेंस उनकर या फिर ओवर कॉन्फिडेंस 2024 के चुनाव में पता चले। छन छन के आ रहल बा मुद्दा बाजार में, छन छन के आ रहल बा मुद्दा बाजार में, अपने घर लहकत बा घर के चिराग से, अपने घर लहकता घर के चिराग से, जियला मोला के जे पुछार ना कई, जियला मोला के जे पुछार ना कईल उहो लवट के आ रहल बा चुनावी बाजार में। गोर लगता नहीं हेरा से अभिनंदन बा, खूंटा ठोक हो, फिर से माफी मांगता नहीं। कई दिन के बाद रुवालों के सामने आ रहा बनी और अबो कल बनी तो बहुत सारा ऐसा बात बा जो रुवालों से करे के बाद रुवालों के 10 से 12 मिनट चाहब कि हमारा खातिर, अपना राज्य खातिर, अपना देश खातिर और आवे वाला 2024 के चुनाव खातिर रिजर्व हम करके रखी सब है वो 10-12 मिनट में रुवालों से हम कोशिश करब बतियाबे के कि आखिर हो का रहल बा। हो ही रहल बा कि अभी असमंजस इतना ज्यादा बढ़ गई बा कि रघुओ ना फैसला कर पैले हो कब कि रुआ आखिर करे के का बा। जात पात के नाम पर वोट होता रहा, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट होता रहा, विकास के नाम पर वोट होता रहा, रोजगार नौकरी के नाम पर वोट होता रहा, किसान के नाम पर वोट होता रहा, बिजली के नाम पर, सड़क के नाम पर, जितना राउर जो मूलभूत आवश्यकता बा ओकरा खातिर वोट होता रहा, ऐसा बात लगातार कहल जा रहा बा। 75 साल के आजाद भारत में बहुत कुछ कुछ ऐसा भइल, बदलाव भी भइल, बहुत सारा चीज अच्छा भी भइल, लेकिन बहुत कुछ छूटल भी। तो ये अक्सर होला कि रुआ हेने धरे जाए तो हेने छूटेला, लेकिन एक सब के समेट करके रउआ खातिन जे करे उहे लोकतांत्रिक सरकार कहाला। लेकिन ऐसा सरकार नजर ना आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लीड करे वाला एनडीए के बात कर ली या महागठबंधन यूपीए अब जोन बनल बा INDIA, ये सब के अगर रुआ उठा के देख ली तो एक के बात वो नजर आई कि सबके हाल एक लेखा, सबके देखा एक लेखा। लेकिन उकरों में से अब निमन चुने के पड़ी। अब तो एगो नया हो गया सिस्टम नोटा वाला, रुआ ई पसंद नहीं कन ई पसंद नहीं कन तो नोटा दबा दी। उसे लोकतंत्र हमरा समझ से कहीं ना कहीं अंधेर रास्ता में जा रहा बा। लोकतंत्र के खूबसूरती है कि रुआ वोट करी, रुआ ई और उ के बीच में चुनी, ई और उ के बीच में कांस्टेंट मत हो जाएंगे। लेकिन खैर ये तो आगे के बात बा। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बा कि रुआ देख लो कब कि जो वर्तमान सरकार चल रहा बा केंद्र में ओकरा के लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आई रहे और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बातचीत करते हुए जवाब देते हुए विपक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कैले कि वे खाली फिर से आवे वाला 2024 में लाल किला पर झंडा फहराई है। ये क्लियर बा, ये ना पिछला हाली से ज्यादा सीट आई इहो दावा कैले। एकरा मतलब कि चुनाव से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गई। लेकिन यह दावा के पीछे के कहानी बड़ा जबरदस्त बा। रुआ भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी के बारे में अगर समझल चाहता नहीं तो रुआ पहले समझे के पड़ी कि INDIA गठबंधन जो बा ओकर 3 मीटिंग भइला के बाद भइल का, कहाँ तक ले बात पहुंचल और का का फाइनल भइल। तो फाइनल सिर्फ पतने भइल कि एगो मीटिंग में रूसाफुली भइल, दोसरका में रूसाफुली के संगे संगे एगो नाव रखा गई INDIA, और तीसरका मीटिंग में भइल का कि कमिटी बना करके फिर रूसाफुली भइल। हालांकि केहू कहल नहीं के चाहत कि रूसाफुली भइल बा, केहू ही नहीं के कहल चाहत कि हई भइल बा हो भइल बा, लेकिन कुछ ना कुछ भइल बा। कारण कि लगातार जौना बात से बाँचे के रहे ओकरे पर धर्म पर चर्चा शुरू हो गई बा, आस्था पर चर्चा हो गई बा, सनातन पर चर्चा शुरू हो गई बा, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खातिर माने बेहतर कहल जाला माहौल बन ही, निमन माहौल
बनावे वाला काम चल रहा बा। एकरा से भारतीय जनता पार्टी के कोनो घाटा नया ना होई, बल्कि ए देश के लोग के जो धार्मिक भावना बा ओकरा के आहत पहुंचावे के ओकरा पर चोट करे के कोशिश कहे। खैर ए बात से आगे निकल जाओ, जौन नया गठबंधन बनल बा एनडीए के विरुद्ध, वो गठबंधन में 28 को दल बढ़े। हालांकि एनडीए गठबंधन में जो दल बढ़े वो साफ तरीका पे भारतीय जनता पार्टी के वन मैन आर्मी के साथ चले खातिर मजबूर बढ़े। जौन भारतीय जनता पार्टी फैसला करती ही, वो फैसला से वो एने ना ही लिए आर्गुमेंट कर सकेले, भारतीय जनता पार्टी के मन करी तो कुछ उनका में डिमांड में बढ़ाव कर सकेला, आगे बढ़ा सकेला या डिमांड पूरा कर सकेला। लेकिन ई केहू अब लिखे कहे के तैयार कि हम एक गठबंधन में अपना शर्त पर रहो, ई बात समाप्त हो गई। अब जौना तरीका से एनडीए के बैठक भइल और ओकरा में सब कुछ साफ साफ क्लियर नजर आई, ओकरा बाद कई बैठक भइल, ई बात के तरफ इशारा कर रहल बा कि कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन जौन बा ओकरा से ज्यादा तेजी से बढ़ रहल बा और स्ट्रेटजी भी ओकरा ज्यादा बना रहल बा। दूसरा तरफ अगर वो गठबंधन के देखी तो सीट शेयरिंग के मामला लगातार फंसता। बिहारे के बात हुआ करी ना, बिहार में का नीतीश कुमार जो 2019 में 17-17-6 के फॉर्मूला तय करा दिले रहन, एजा उनका इतना हिम्मत बा, इतना ताकत बा कि वो करा सकेले, करावते गठबंधन समाप्त, ये बात हुआ मान के चली। ऐसा स्थिति में कहीं ना कहीं समझौता करे के पड़ी और भारतीय जनता पार्टी की बात समझ गई बा कि जैसे ही सीट शेयरिंग के समझौता हुई वैसे ही ये गठबंधन बिखरे लगी। काम ममता बनर्जी वाम दल के और कांग्रेस के अपना राज्य में आधा आधा सीट दी हैं। चली 42 गो सीट बा, 21 गो ले लेस, 21 गो सीट में लोग कहीं है कि तनिक आपस में बांट लोग, जरा कर देवे को बाद दे दो लोग। 2019 में का भई रहा है, 20 गो सीट यानी 19 गो सीट अपना भी रख के 21 गो सीट तेजस्वी यादव दे दिले अपना साथी दल के, जन में कांग्रेस के 9 गो रहे, 3-3 गो सीट रुआ मिला रहे VIP के और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के, और 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा के RLSP के मिला रहे। रिजल्ट के हम बात नहीं करत, हम सीट शेयरिंग के बात करते नहीं, बड़ा उदारता से सीट शेयरिंग के समझौता भई रहे और जेकरा जोन औकात रहे औकात के हिसाब से उन लोग के सीट मिला रहे। अब जब 2024 में बैठी लोग तो वामदल कांग्रेस RJD और JDU बैठ करके का तय करी लोग कि नीतीश कुमार के पहले 17 गो दे दो तो उनका के 17 गो देव तय नहीं, इनको के 19 गो दे दो तो बाकी का बाची, और बाकी जो बाची 4 गो सीट ओकरा में केकरा करा कर गो मनाई, एजा मामला अटकत दिखाई देता और भारतीय जनता पार्टी ये बात के समझ गई बा। एकरा साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा प्लान बना ले बा जौन की रुआ बहुत जल्दी देखे के मिली यही महीना में, रुआ लोग के याद हुई कि भारत लाइव पर बात हम कहले रहे कि जैसे ही महाराष्ट्र के बैठक मुंबई के बैठक समाप्त भइल और ई बात निकल के सामने आई कि 4 गो कमिटी बनल बा, जौन में एगो कमिटी सीट शेयरिंग खातिर बनल बा, जौन 30 दिन में सीट के फैसला करके बताई कि के कहाँ कतना सीट पर चुनाव लड़ी। इस सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बा और यह प्रश्न के जवाब केहू सर वह मांग ली कि देवे के तैयार नहीं है। नीतीश कुमारी निखन कह सकत कि तेजस्वी यादव के पार्टी हतना पर लड़ी, तेजस्वी यादव निखन कह सकत कि कांग्रेस इतने पर मानी, कांग्रेस नहीं कह सकत कि वाम दल के हम मना ले, कोई नहीं कह सकत। लेकिन ई बात और एक विशेष अधिकार भारतीय जनता पार्टी लगे बा, इस सारा बात के सोच करके भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रेटजी बना ले बा और इंतजार कर रहा बा कि का हुई है 30 दिन में बिखराव के बहुत बड़ा संकेत मिल रहा बा। एकरा साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार गठबंधन के साथी लोग के हिला डोला कर रहा बा ओकरो असर पड़े वाला बा। तो सबसे बड़ बात कि जो विशेष सत्र 18 से 22 तक बुलावल गई बा उ सबसे बड़ा हेतु और कारण 2024 के चुनाव में बने जा रहा बा। वन नेशन वन इलेक्शन जौनी मामला बा, ए मामला के रुआ छोट मत समझ, एकरा द्वारा
भारतीय जनता पार्टी देश में एक नया धारा के लोकतंत्र पैदा करने की कोशिश करता है। अब यह धारा में के शामिल हुई के ना शामिल हुई ये अलग बात बा, एकरा में हंगामा बवाल होइबे करी, कारण कि ममता बनर्जी जौन की कुछ ही दिन पहले 1.5 साल पहले उनका सरकार बनल बा, कर्नाटक जौन की 8 महीना भइल सरकार बनला, जौना राज्य में चुनाव होखे वाला बा, जौना राज्य में 6 महीना 7 महीना बा, ओकर बात अलग बा, लेकिन जौना राज्य में सरकार बनला अभी 2 साल 3 साल भइल, वो 2 साल 3 साल के अपन सरकार त्याग करी, बड़ा मुश्किल लागत है बात। लेकिन एक तैयारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के सरकार नरेंद्र मोदी कर ले वाले। सबसे बड़ा सवाल ही बा, इस सवाल के साथ साथ अभी और कई गो सवाल खड़ा हो रहा बा, एकरा अलावे यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी बात बा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जोन बा ओकरो पर नरेंद्र मोदी के सरकार जोन बा वो आगे बढ़ गई बा, और एकरा पर पूरा मंत्रणा जोन होला सारा रिपोर्ट वगैरह कलेक्ट कर लिहल गई बा, यानी कि इहो बिल वक्त से पहले पास करा करके 2024 के चुनाव में एगो नया तीर जोन बा छेदल जाए। एकरा अलावे महिला आरक्षण बिल के लेकर के भी कहल जा रहल बा कि नरेंद्र मोदी के सरकार ये वो नया पासा फेंके के तैयारी कर रहा बा, जौन की पूरा विपक्ष के जौन गैर भाजपाई दल के गठबंधन बा वो गठबंधन पर भारी पड़ी, खास करके नीतीश कुमार के बात करी तो नीतीश कुमार एकरा के दम भरत रहे हा कि महिला के इतना आरक्षण दिले बानी कि महिला के वोट तो हमारे हा, और ओकरा आधार पर कोई के भी सरकार में शामिल करे के मादा रखत रह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब वैसा सब उपाय छोड़े जा रहा बा जौना के कि नीतीश कुमार के चित करके खुद अपना हाथ में कमान ली, एको सबसे बड़का मुद्दा ही बा। और एकरा साथ साथ और कई को गेयर फंसावे के तैयारी चल रहा बा, जौना में कहल जा रहा बा कि एकरा अलावे भी एक दू गो ऐसा हिडन बिल बा जौना के चर्चा नहीं के हो, वो चर्चा बहुत जल्दी रुआ लोग के सुने के मिली। एकरा पहले रुआ लोग के ये बात सुने के मिलल हुई कि परिसीमन के तैयारी चल रहा बा, और नया जो लोकसभा भवन बनल बा वो लोकसभा भवन बनावे के पीछे कारण रहा कि 800 से ज्यादा जब परिसीमन हुई तो लोकसभा के सीट हो जाई, और ओकरा के लेकर के कई राज्य में बंटवारा के भी बात कही जा रहा बा, उत्तर प्रदेश के 3 गो भाग करे के बात चल रहा बा, तो ये बिहार में भी एक टुकड़ा और करे के बात चल रहा बा, सीमांचल के अलग करे खातिर ये पूरा कहानी रचल जा रहा बा। लेकिन ये सारा बात के साथ साथ एक बात हुआ समझ ली कि बिहार अभी भी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बाड़े और जिनका हाथ में अभी 2024 के पूरा कमान बा, वो अमित शाह के पूरा छूट दे दे बाड़े कि बिहार में तरह जैसे मन करे वैसे 40 में से 40 सीट जीते के प्रयास में लग जा, जना में अब तक 5-6 यात्रा बिहार के कर चुकल बाड़े अमित शाह, यही महीना में उनका फिर से बिहार आवे के प्लान बन गई बा, और 18 तारीख से 22 तारीख तक जो विशेष सत्र बुलावल गई बा ओकरा पहले आवे के उनका पूरा पूरा प्लान बन गई बा, जौना में मिथिलांचल में आई हैं, सीमांचल में आ चुकल बाड़े, कोसी में आ चुकल बाड़े, एकरा अलावे रुआ देखले होकब कि जौन उत्तर प्रदेश से सटल गोपालगंज और अन्य जगह बा वाल्मीकि नगर ओकरा में आ चुकल बाड़े, तो इन्हें रुआ देखले होगा कि मगध में और शाहबाद में भी आ चुकल बाड़े, अब मिथिलांचल में तैयारी बा, और मिथिलांचल में जबरदस्त मांग चल रहा बा मिथिलांचल राज्य के। ऐसा स्थिति में आवे वाला समय में पूरा तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर दे बा, जौना में मोदी और शाह के जोड़ी ऐसा गियर लगे बा कि जौना से बैक गियर तो ना एक कह सकिले, लेकिन गियर टॉप गियर बा जौना से इंडिया गठबंधन में हड़कंप मचल निश्चित रूप से बा, और खास करके नरेंद्र मोदी जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिले तो कॉन्फिडेंस उनकर या फिर ओवर कॉन्फिडेंस 2024 के चुनाव में पता चले, ये सारा चीज के कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बदले के जो चाभी बारू वालों के हाथ में 2024 के चुनाव में अभी थोड़ा देर बा 8-9 महीना के, लेकिन तैयारी शुरू हो गई बा, रउआ पर भी बड़ा जिम्मेवारी बा कि लोकतंत्र के कैसे बचावल जाए
जौन की लोकतंत्र ये देश के अलग अलग राज्य के और आम जनता के हित में फैसला कर सके। आज एजे रुआ लोग से विदा ले, फिर मिले के वादा के साथ गोड़ लगते नहीं।